राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से कहा कि वे कोरोना महामारी से लड़ने वाले डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पुलिस बल को सहयोग करें। उन्होंने आशा जताई कि इस महामारी पर शीघ्र ही विजय प्राप्त कर ली जाएगी। राज्यपाल ने लोगों से संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक उपाय करने की भी अपील की है। प्रिय प्रदेशवासियों, वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से राज्य के समस्त नागरिक, संस्थाएं, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस प्रशासन एकजुट होकर मुकाबला कर रहे। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस महामारी पर विजय प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना का एक प्रभावी उपचार है। प्लाज्मा उसी व्यक्ति का लिया जाता है जो इस बीमारी से जंग जीतकर ठीक हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 27,000 व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना पर विजय पाए उन सभी व्यक्तियों का मैं आह्वान करता हूं कि वे आगे आए, अपना प्लाज्मा रक्तदान के माध्यम से दान दें, ताकि कोविड से ग्रसित गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से जीवन दान मिल सके। राज्य के सभी नागरिक जिन्होंने अपनी अपनी सुविधा अनुसार इस महामारी से बचने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग किया है, उनसे फिर आग्रह है कि उनके आसपास जो भी मरीज ठीक हुए हैं उन्हें प्लाज्मा दान करने के लिए प्रेरित करें, कोरोना महामारी से शीघ्र मुक्ति प्राप्त करने में सहयोग करें। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के साथ ही संभागीय स्तर के मेडिकल कॉलेजों में यह सुविधा उपलब्ध है। मैं अनुरोध करता हूं कि कोविड-19 से ठीक हुए अधिक से अधिक व्यक्ति प्लाज्मा दान करें, साथ ही साथ दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें एवं हाथों को सैनिटाइज करते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।